बिहार विधानसभा में मनोज मंजिल जी जोर जोर से एकदम नाना पाटेकर के स्टाइल में बोले जा रहे थे, वाशिंग पाउडर भाजपा भाजपा, वाशिंग पाउडर भाजपा वाशिंग पाउडर भाजपा, वाशिंग पाउडर भाजपा, वाशिंग पाउडर भाजपा। बोरी में लाल मिर्च लाई गई थी, बकायदा फेंकी जा रही थी प्लानिंग के साथ। सबूत दो, मैं तो सबूत देता हूँ लाठी चलाने का। एक सबूत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और नीतीश कुमार के जो पालतू सरकारी कर्मचारी हैं वो बता के दिखा। मेरे आँख में पूरा मिचाई डाल दिया गया है, पूरा मेरा आँख सूज गया है, नजर नहीं आया। वो तो भमेश्वर मुखिया का भी वो लोग अस्थि घुमाए थे, लाश घुमाए थे, उपद्रव मचाए थे। हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर छात्रावास में उस समय आ रहे में थे, जिंदा जलाए से हम लोग बचे, जिंदा जलाने से हम लोग बचे, हम लोग खुद बचे, नहीं तो जिंदा जलाए जाते हम लोग। प्रमाण पत्र जलाए इन लोगों का, उपद्रव 2012-13 की बात है, उपद्रव 1 जून 2012 की बात है। उपद्रव ये लोग करना चाहते हैं, बिहार सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, ये उनका मंसूबा पूरा होगा नहीं। बिहार विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे भाजपा के नेता और विधायक कार्यकर्ता, और लाठीचार्ज हुई। कथित तौर पर एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई पुलिस की लाठी से, ये भाजपा वालों का कहना है। और सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, घोषणा किए हैं कि 10 लाख रुपये की मदद की जाएगी जिनकी मृत्यु हुई है, विजय कुमार सिंह जहानाबाद के रहने वाले। हमारे साथ अग्याव के विधायक हैं, SC सीट है, रिजर्व सीट, मनोज मंजिल जी माले से। आप लोग लाठी चलवा दिए, आप लोग नारा लगाते हैं लाठी गोली की सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तो ये कहा है? देखिए, बीजेपी जन आंदोलन करने वाली पार्टी नहीं है, फसाद करने वाली और उपद्रव करने वाली पार्टी है, उन्माद और उत्पात फैलाने वाली पार्टी है। वो जन आंदोलन थोड़ी कर रहे थे, ये भी तो रिपोर्ट पढ़िए कि आप बोरी में लाल मिर्च लाई गई थी, बकायदा फेंकी जा रही थी प्लानिंग के साथ, टीचर्स नहीं थे। असल सवाल है कि वो जो टीचर्स के सवाल पे बोल रहे हैं वो समांग कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही बोल चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं, हमसे बेहतर आपको जानकारी होगी, यहाँ पे जानते हैं माहौल। भगवान भी उतर कर आ जाएंगे तो बिहार के नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, एक बात। दूसरी बात, किनका कहना है? बीजेपी के नेता का कहना है, सुशील कुमार मोदी जी का कहना है। तो मांग कर रहे हैं कि दर्जा दीजिए, अभी मांग कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो समांग कर रहे हैं। जब वो पहले बयान दे रहे थे, जब वो सत्ता में थे, तो स्थानीय निकाय द्वारा जो नियोजित टीचर हैं बिहार में, उनको राजकर्मी का दर्जा मिले, सरकारी कर्मी का दर्जा मिले, इस दिशा में वो कहाँ थे, विरोध में थे। और जहाँ उनकी सरकार है, पता होगा आपको कितना राजकर्मी का दर्जा दिए हैं, कितना सरकारी कर्मी का दर्जा दिए हैं। तो शिक्षा और शिक्षक पर बोलने का भाजपा को कहां से हक है? नई शिक्षा नीति ला करके, नई शिक्षा नीति ला करके जो मनुस्मृति पर आधारित है, असमानता पर आधारित है, निजीकरण को बढ़ावा देने वाली नई शिक्षा नीति है, अतार्किक है, अवैज्ञानिक है, अलोकतांत्रिक है। दलित गरीब और वंचित समाज से आने वाले बच्चों पुलिस की लाठी से एक कार्यकर्ता की मौत हुई, ये शिक्षक मौत हुई, मौत हो ही सकती है। हमने जो हम लोगों के पास जो खबर है कि वो अचेता अवस्था में पाए गए हैं, पुलिस की लाठी से उनकी मौत हुई है, ऐसी मुझे खबर नहीं है। हालांकि मौत हुई है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है बिल्कुल, लेकिन बीजेपी बिहार को अस्थिर करना चाह रही है, इनको शिक्षा से, इनको शिक्षक से। अच्छा, लाठी चार्ज देना नहीं, आज लाठी चार्ज, बीजेपी के स्पीकर थे बिहार विधानसभा में, तब लाठी चार्ज नहीं कहिए, लेकिन आप लोग पर पुलिस द्वारा हमला किया गया, लाठी चार्ज कहिए। बिल्कुल किया गया था, उस समय किया गया था, लेकिन उसका तुलना अभी से क्यों कर रहे हैं? मैं हम बोले कि जो प्रतिनिधि बीजेपी का बिल्कुल चरित्र है, अरे भाई जब लोकतंत्र है तब न बीजेपी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, संविधान है तब न बीजेपी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जब लोकतंत्र नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा, आज़ादी नहीं बचेगी,
तो प्रदर्शन करने का अधिकार भी कहां से है? विधानसभा में आप कह रहे थे बीजेपी तो खुद हाँ तो वाशिंग पाउडर ना है जी नहीं, वही अगर सवाल जरूरी है कि बिहार पाउडर है, बिहार विधानसभा में मनोज मंजिल जी जोर जोर से एकदम नाना पाटेकर के स्टाइल में बोले जा रहे थे कि वाशिंग पाउडर निर्मा वाशिंग पाउडर निर्मा भाजपा वाशिंग पाउडर भाजपा सॉरी 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 वाशिंग पाउडर भाजपा वाशिंग पाउडर भाजपा वाशिंग पाउडर भाजपा भाजपा में जाओ और आप कितना हो क्राइम किए हो करप्शन किए हो आप रेप किए हो आप माफियागिरी करते हो लेकिन भाजपा में जाओ डिप्टी सीएम बन जाओ पाक साफ हो जाओ करप्शन से मुक्ति मिल जाएगी आपको करप्शन के चार्ज से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसीलिए ये सीबीआई हो क्या क्या होता है ईडी होता है आईटी होता है ये सबका जो इस्तेमाल है ये विपक्ष की आवाज का गला घोटने के लिए ये लोग करते हैं और इसीलिए ये लोग को टीचर पर बोलने का तो भैया कोई हक नहीं है। आप टीचर को कह रहे हैं कि राजकर्मी का दर्जा दिया जाए साहब तो पहले आप कहते थे कि भगवान भी उतर करके आ जाएंगे नीचे तो इन टीचर्स को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। अच्छा लेफ्ट का क्या मानना है ये बताइए। हम लोग तो साफ कह रहे हैं कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 को संशोधित कर बिना शर्त बिहार के स्थानीय निकाय द्वारा नियोजित तमाम शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। तो आपकी सरकार है, सरकार आपके समर्थन से बिल्कुल तो हम लोग समर्थन से हैं इसीलिए तो भाई टीचर्स के हित में हम लोग बोल रहे हैं कि ये लोग पढ़ाने का काम जाति गणना का काम इलेक्शन का काम तमाम काम। अच्छा, अपना अभी हम बीजेपी ऑफिस में गए थे वहाँ के नेता हैं बचौल जी कह रहे थे कि जिनकी मृत्यु हुई है इस प्रोटेस्ट में उनकी अस्थियों को पूरे बिहार में घुमाएंगे बोले तो घुमाए क्या दिक्कत है घुमाए वो तो भुवनेश्वर मुखिया का भी वो लोग अस्थि घुमाए थे लाश घुमाए थे उपद्रव मचाए थे। हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर छत्रवास में उस समय आ रहे में थे जिंदा जलाए से हम लोग बचे हम लोग खुद बचे नहीं तो जिंदा जलाए जाते हम लोग प्रमाण पत्र जलाए तीन लोगों का उपद्रव 2012-13 की बात है उपद्रव 1 जून 2012 की बात है उपद्रव ये लोग करना चाहते हैं बिहार सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं ये उनका मंसूबा पूरा होगा नहीं बिहार में। चलिए तो लाठी चार्ज हुई भाजपा के नेताओं पर कार्यकर्ताओं पर हाँ तो उस पर मनोज मंजिल जी से बात किया अज्ञाव से विधायक हैं लेफ्ट से माले से आपका क्या कहना है पूरी बातचीत को लेकर बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए यूट्यूब पर वीडियो देख रहे सब्सक्राइबर नहीं घंटी बजा कीजिए। जय भीम जय भारत।